हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्ची वाइब्स एंड फैक्ट्स में। चलिए आज बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। बांग्लादेश एक साउथ एशियन देश है जो कि पद्मा, गैंग, गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में स्थित है। इसकी राजधानी ढाका है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देशों में से एक है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2024 में 16 करोड़ 81 लाख 20 हजार है। बांग्लादेश का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहले ये बंगाल का एक हिस्सा था, फिर 1947 में पार्टीशन के बाद ये ईस्ट बंगाल बन गया और पाकिस्तान का प्रोविंस बना। लेकिन 1971 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। इस देश की गवर्नमेंट फॉर्म एक यूनिटरी मल्टीपार्टी रिपब्लिक है जिसमें एक लेजिस्लेटिव हाउस पार्लियामेंट होती है। बांग्लादेश के लोग प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम हैं और ये देश अपनी ग्रीनरी, वाटरवेज और कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश एक डेवलपिंग नेशन और इसका मेजर फोकस टेक्सटाइल, शिपबिल्डिंग, फिश एंड सी फूड, जूट एंड लेदर गुड्स पे है। जीडीपी ग्रोथ रेट भी अच्छी है और ये देश अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है। बांग्लादेश के कल्चर में म्यूजिक, डांस, आर्ट और लिटरेचर का भी बड़ा महत्व है। बंगाली न्यू ईयर या पहला बैशाख, दुर्गा पूजा और ईद जैसे फेस्टिवल यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्या आप में से कोई बंगाली है जो पहला बैशाख में इलिश मांस, आलू का भरता, चावल ये खाता है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वो डिश कैसी लगती है। ओवरऑल बांग्लादेश एक वाइब्रेंट और रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है जो अपने रिच हिस्ट्री और कल्चर डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। वेल, बांग्लादेश की भाषा कौन सी है? इस देश का टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है? ऐसे ही और जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। और मेरी ये नई वॉइस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।